नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। चक्रधरपुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिस मुठभेड़ में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें सीआरपीएफ 60 बटालियन के 3 जवान शहीद हुए हैं और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि 10 दिन पहले भी मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद नक्सलियों का यह आईडी ब्लास्ट। चक्रधरपुर से घायल जवानों को रांची एयरलिफ्ट कराया गया और घायल जवानों को मेडिकल अस्पताल भर्ती कराया गया है। घटना की पुष्टि झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने की है। शहीद जवान में से एक जवान कांस्टेबल हरिद्वार सा पलामू के रहने वाले थे। घटना से गांव वालों में गहरा शोक है, साथ ही गर्व है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। अपने जो है घर का बच्चा खो दिए, लेकिन गर्व भी है कि हमें जो है हमारा भाई, हमारा गांव का बेटा जो है अपने राज्य के लिए शहीद हुआ है। लेकिन हम लोग सरकार से मांग भी करते हैं, जिन्होंने इस तरह कुकृत किया है उनको सजाए, कठिन से कठिन सजा दिया जाए, ताकि जो है आइंदा वो नक्सली बनने का काम ना करेंगे। वो एक गरीब परिवार के थे, उन लोग दो भाई हैं, एक भाई छोटा भाई सीआईएसएफ में और दूसरा भाई खुद जो है झारखंड जगुआर में थे। उनके पिताजी किसान हैं, वो भी बेचारे वो पूरे गांव में मिलते जुलते थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।